नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आपका स्वागत करता हूँ अपने आज के इस चैप्टर में। आप लोगों को पता ही है कैसे हम फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की एक बुक का हिंदी अनुवाद करके चल रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 2 का सफर रहेगा, जो कि कल से भी बेहतर होगा। कल हमने क्या देखा था कि क्लेमेंट एटली, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया था इंडिया आने के लिए, कि वो इंडिया जाए और अंग्रेजी राज्य को समेट ले। साथ ही हमें इंग्लैंड की दशा भी पता चली थी कि 1 जनवरी 1947 पे इंग्लैंड कैसा दिखता था। तो आज हम अपने आगे के सफर पे चलते हैं, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है चल अकेला चल अकेला। आज हम देखेंगे 1 जनवरी 1947 का इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू। कल हमने इंग्लैंड का देखा था। तो ये है श्रीरामपुर नोआखाली, नए साल का पहला दिन 1947। डाउनिंग स्ट्रीट से 6000 मील दूर बंगाल की खाड़ी पर गंगा नदी के डेल्टा में कोई एक गांव, वहां किसी किसान की कोई एक झोपड़ी, उस धूल भरे धरातल पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ था। दोपहर के ठीक 12 बजे थे, जैसा कि वह व्यक्ति रोज ठीक 12 बजे किया करता था। उसके सहयोगी ने एक गीला सूती थैला उसकी तरफ बढ़ाया, थैले को उसने यंत्रवत ले लिया और अपने पेड़ों पर सावधानी से रखा। थैले में गुथी हुई काली मिट्टी, सूती कपड़े के आर पार उस मिट्टी का पानी छनता आ रहा था। मिट्टी का ऐसा ही एक और थैला, जो आकार में जरा छोटा था, उस मर्द ने लिया और अपने गंजे सिर पर रखकर थपथपाया। धरातल पर सोया वह व्यक्ति उस समय बड़ा कमजोर और नन्ना सा लग रहा था। असलियत कुछ और थी। झुर्रियों से सना 77 वर्ष का वह बूढ़ा आदमी, जिसका पोपला चेहरा मिट्टी के थैले के नीचे आत्मविश्वास से चमक रहा था, इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेज साम्राज्य की जड़ें जितनी उस बुढ़ऊ ने खोदी थी, उतनी अन्य किसी जीवित व्यक्ति ने नहीं। बुढ़ऊ ही वह व्यक्ति था जिसके कारण अंग्रेज प्रधानमंत्री ने मजबूर होकर रानी विक्टोरिया के प्रपोत्र, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, को नई दिल्ली की तरफ रवाना किया था, ताकि भारत को आजादी देने का कोई सही तरीका ढूंढा जा सके। मोहनदास करमचंद गांधी पूर्णतया मौलिक क्रांतिकारी थे। उस कोमल महात्मा ने आजादी की लड़ाई लड़ने की एक ऐसी कठोर शैली ढूंढ निकाली थी, जिसकी शक्ति और मौलिकता की पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं थी। बगल में सावधानी से पॉलिश किए हुए नकली दांत रखे थे, जिन्हें गांधी जी केवल भोजन करते समय पहनते थे। इस्पाती फ्रेम का चश्मा भी वहीं पड़ा था, जिसके आर पार उनकी अनुभवी बूढ़ी आंखें इस नादान दुनिया का निरीक्षण किया करती थी। गांधी जी नाटे कद के व्यक्ति थे, मुश्किल से 5 फीट, भार केवल 114 पाउंड, हाथ पैर आवश्यकता से अधिक लंबे। प्रकृति ने चाहा था कि गांधी जी का चेहरा सुंदर ना हो, काफी बड़ा सिर और उसमें दोनों तरफ बड़े बड़े कान, कुछ इस प्रकार निकले हुए मानो कैप के हैंडल, मोटे नथनों के सहारे टिकी नाक, नीचे विरल सफेद मूछें। मुंह में अगर नकली दांत ना होते तो उन्हें उनके दोनों होंठ नंगे मसूड़ों के बीच दबकर लुप्त से हो जाते। इसके बावजूद गांधी जी के चेहरे से सादगी, ईमानदारी और भल मन साहत की जो किरणें निरंतर फूटती रहती थी, उन्होंने उस चेहरे को निहायत प्यारा बना दिया था।
उनकी इंसानियत, उनकी जिद, उनकी मस्खरी भावों को व्यक्ति करने की उनकी अलौकिक क्षमता, उनकी नारी सुलभ स्नेहशीलता, उस असुंदर चेहरे में सौंदर्य का सागर लहराता था। उन दिनों जब हिंसा की प्रतिष्ठा अपने चरम पर थी, गांधी जी ने अहिंसा का एक ऐसा सिद्धांत सामने रखा जिसमें मानव जाति के लिए आशा की नई किरणें थी। हथियार से नहीं मनोबल से लड़ो, मशीन गन की गोलियों से नहीं प्रार्थनाओं से लड़ो, बमबारी और चीख पुकार से नहीं खामोशी और धैर्य से लड़ो। उनके इस आदेश पर, उनके इस संदेश ने भारत के भीड़ भड़के में जैसे बिजली दौड़ा दी। भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। पश्चिमी यूरोप में जब तानाशाह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे और धू धू कर जलती इमारतें भयानक शोर के साथ गिर रही थीं, तब भारत में, जो दुनिया की अत्यधिक घनी आबादी का देश है, गांधी जी ने एक एक व्यक्ति तक अपना संदेश ऐसी शांति के साथ पहुंचाया था कि उन्हें अपना स्वर भी ऊंचा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अनुयायी एकत्र करने के लिए गांधी जी ने उन्हें कोई सब्ज बाग दिखाना तो दूर उल्टे चेतावनी ही दी थी, जो मेरे साथ हैं उन्हें नंगे फर्श पर सोना, खुरदरे कपड़े पहनना, सूर्योदय से पहले उठना, सादा और स्वादहीन भोजन करना, यहाँ तक कि संडास भी स्वयं साफ करना होगा, ऐसा गांधी जी का कहना था। शोक रंगों के गड़वेश और झंकार पूर्ण तमगे देने की अपेक्षा गांधी जी ने अपने अनुयायियों के हाथ से कते बुने और सिले कपड़े पहनाए, जो कि खादी। जिस जिसने खादी पहनी वह एक दूसरे का भाई हो गया। एकता और भाईचारे का मनोवैज्ञानिक असर खादी ने उसी प्रकार पैदा किया जिस प्रकार यूरोप के तानाशाहों ने अपने अनुयायियों को भूरी या काली कमीजें पहनाकर उन्हें एक ही छत के नीचे लाते समय किया था। उन दिनों भारत में आधुनिक संचार साधनों का गहरा अभाव था, उसके बावजूद गांधी जी का संदेश बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े तक पहुंच गया। गांधी जी अपने अधिकांश पत्र स्वयं लिखते और लॉन्ग हैंड में लिखते। अपने अनुयायियों से वह बातें करते, बातें बातें बातें। कांग्रेस पार्टी की बैठक हो, दैनिक प्रार्थना सभाएं हो, कोई भी सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक अवसर हो, गांधी जी बोलते और जो वह बोलते वह देश भर में फैल जाता। अत्यंत सादे सरल ग्रामीण उपायों से गांधी जी देश की जनता को झिंझोर सकते थे और उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य को भी झिंझोर कर रख दिया था। यह बात कोई कम रोमांचक नहीं कि गांधी जी ने भूख का एक हथियार के रूप में सफलता पूर्वक उपयोग किया, उस भूख को जिसने सदियों से भारत के आम आदमी को परेशान करके उसकी हड्डी हड्डी बाहर निकाल दी थी। गांधी जी ने स्वयं को भूखा रखा, उपवास किए, वह भोजन नहीं करते, मात्र पानी और सोडा बाइकार्बोनेट पीते, और इतने से ही महान इंग्लैंड का सिंहासन डोल गया। ईश्वर से आक्रांत देश भारत ने उनके हड्डी हड्डी शरीर में, उनके अत्यंत सरल किंतु मारक उपायों में एक अलौकिक महात्मा के दर्शन कर लिए थे। गांधी जी जहां भी गए जनता उनके पीछे रही। वह अपनी शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। अनुयायियों के लिए वह महात्मा थे, अंग्रेजों के लिए, जिन्हें खास उन्हीं के कारण शीघ्रता शीघ्र भारत छोड़ना पड़ रहा था, वह एक अड़ंगेबाज राजनीतिज्ञ और एक बोगस मसीहा थे। अंग्रेजों के लिए उनके अहिंसक आंदोलन सदैव हिंसा पर समाप्त होते थे। उनके उपवास
शुरू तब तक के लिए होते जब तक मृत्यु ना आ जाए, लेकिन जब वास्तव में मौत आने लगती तो उपवास पहले ही टूट चुके होते। वेविल जैसे व्यक्ति को भी, लॉर्ड वेविल जो कि वाइसरॉय थे, उस व्यक्ति को भी जिसे सबने एक दयालु वाइसरॉय माना था, मोहनदास करमचंद गांधी से नफरत करता था। वेविल ने गांधी जी को सदैव एक घाग, जिद्दी और स्वार्थी राजनीतिज्ञ कहा, जिसकी जुबान पर कोई भरोसा ना हो और महात्मा जैसा गुण उसकी परछाई को भी ना छू सके हो। लेकिन जनता ने मान लिया था कि गांधी जी जहां जहां जाते हैं वहीं भारत की राजधानी चली जाती है। नए वर्ष के उस प्रथम दिवस भारत की राजधानी बंगाल के उस छोटे से गांव श्रीरामपुर में थी, जहां वह महात्मा मिट्टी के थैले स्वयं पर रखकर अपने निसर्गोपचार कर रहा था। श्रीरामपुर, जहां से टेलीफोन या टेलीग्राफ की निकटतम लाइन भी 30 मील पैदल चलने के बाद आती थी। नोआखाली का क्षेत्र जिसमें श्रीरामपुर स्थित है, उन दिनों भारत के सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्रों में गिना जाता था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के दलदली डेल्टा में छोटे छोटे द्वीपों की जो भूल भुलैया थी, उसी का दूसरा नाम था नोआखाली। वह मुश्किल से 40 मील के वर्ग में फैला हुआ था, जिसमें 25 लाख की जनसंख्या थी, 80% मुसलमान। वे गांव नालों, झरनों और नहरों के कारण परस्पर कटे हुए थे। आने जाने के लिए पतवार वाली नौकाओं का उपयोग किया जाता था। जगह जगह बांस, लकड़ी और रस्सों के पुल थे, जो खतरनाक ढंग से डोलते रहते। उनके नीचे से पानी बड़ी तेजी से गुजरता रहता था। श्री रामपुर में सन 1947 का नववर्ष दिवस गांधी जी के लिए महानतम संतोष का दिवस होना चाहिए था, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने तमाम उम्र संघर्ष किया था, वह अब सामने ही थी, भारत की आज़ादी। मगर जो जो वह मंजिल नज़दीक आ रही थी, गांधी जी की उदासी बढ़ती जा रही थी। इस उदासी का जो कारण था, वह उस गांव के कड़कड़ में चुनौती भरा अट्टहास कर रहा था। जहां गांधी जी ने अपना खेमा गाड़ रखा था, श्रीरामपुर का नाम अपनी पूरी विभत्सता के साथ उस प्रत्येक रिपोर्ट में खींचे निपोड़ता दिखाई देता, जो लगभग रोज क्लेमेंट एटली को भेजी जा रही थी। कलकत्ता में हिंदुओं ने मुसलमानों का नरसंहार किया, फलस्वरूप मुसलमान नेताओं ने अपने स्वधर्मियों को इस प्रकार भड़काया कि श्री रामपुर के मुसलमान पूरे नोआखाली के ही मुसलमान भिदक गए और अचानक उन हिंदुओं पर टूट पड़े जिनकी जनसंख्या वहां केवल 20% थी और जिनके साथ वे वर्षों से भाई भाई की तरह रहते आ रहे थे। उन्होंने हिंदुओं को लूटा, हत्या की, उनकी स्त्रियों से बलात्कार किए, उन्हें उनकी पवित्र गौ माता का मांस खाने पर मजबूर किया। श्री रामपुर की तमाम हिंदू झोपड़ियां जलाकर खाक कर दी गई थी। बचे खुचे हिंदू चावल के खेतों में भाग गए थे। जिस झोपड़ी में गांधी जी आकर ठहरे, वह भी आधी जली हुई थी। नोआखाली का क्षेत्रफल भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन जिस धार्मिक नफरत ने वहां हिंसा की आग भड़काई थी, उसकी चिंगारियां बड़ी आसानी से देश भर में पहुंच सकती थी। इतने बड़े देश में यदि एक साथ हिंसा का जलजला आ गया तो नोआखाली से पहले कलकत्ता में जो हुआ, फिर उत्तर पश्चिम बिहार में जो हुआ, बराबरी की निर्दयता से जिस प्रकार हिंदू मुसलमान अपने पड़ोसियों पर टूट पड़े, उसे यदि ध्यान में रखकर सोचा जाता तो यह समझना कतई कठिन नहीं कि अंग्रेज प्रधानमंत्री एटली नए वाइसराय के रूप में माउंटबेटन को शीघ्र दिल्ली भेजने के लिए उस सीमा तक आतुर क्यों था। इसी आधार पर वह भी आसानी से समझा जा सकता है कि गांधी जी उन दिनों
श्री रामपुर में क्यों मौजूद थे। ज्यों ज्यों आजादी और विजय का गर्वीला क्षण नजदीक आता जाए, त्यों त्यों अहिंसा के अनुयायी भारतवासी भी विभत्स हिंसा पर उतर आए और धर्मांध होकर एक दूसरे के गले काटने लगे। इस बात ने गांधी जी का दिल तोड़ दिया था और भारतवासी अपने लाडले महात्मा के पीछे पीछे बरसों से चलते तो आ रहे थे, लेकिन क्या अभी तक वे अहिंसा का सच्चा अर्थ समझ पाए थे क्या? यदि गांधी जी के अपने ही अनुयायी अहिंसा छोड़कर हिंसा के पुजारी बन बैठे तो जो आज़ादी गर्व और रोमांच से सनसना जानी चाहिए थी, क्या वही आज़ादी बिल्कुल व्यर्थ नहीं हो जाएगी? एक ऐसी जीत में नहीं बदल जाएगी जो हार जैसी हो, बल्कि हार से भी बदतर। एक और खतरा था जो मोहनदास करमचंद गांधी के अस्तित्व को धमका रहा था, भारत के विभाजन की मांग। विभाजन भी धर्म के आधार पर। गांधी के अस्तित्व का अड़ू अड़ू इस मांग के विरोध में चीत्कार कर रहा था, मांग जो मुसलमान नेताओं ने पूरी जिद के साथ उठाई थी, मांग जिसे अब तक अनेक अंग्रेज शासकों का समर्थन मिलने लगा था। देश का विभाजन करने से पहले मेरे शरीर का विभाजन करना होगा, महात्मा ने बार बार स्पष्ट चेतावनी दी थी। और वह श्री रामपुर आ पहुंचे थे खुद अपने विश्वास की खोज में। यदि वह खोज विफल रही तो पूरा देश मौत की खाई में छलांग लगा देगा। कई दिनों तक गांधी जी उस गांव में भटकते रहे, वहां के निवासियों से बातचीत की, ईश्वर में ध्यान लगा कर बैठे। उन्हें अपने भीतरी आवाज के विचार विमर्श का इंतजार था, भीतरी आवाज जिसने आपात के क्षणों में हमेशा उनका मार्ग निर्देशन दिया था। उस दिन मिट्टी के थैलों द्वारा उन्होंने अपना निसर्गोपचार समाप्त कर लिया था। अनुयायियों को उन्होंने झोपड़ी में बुलाया और कहा कि भीतरी आवाज ने आखिर मार्ग निर्देशन दे दिया है, मुझे प्रायश्चित करना होगा। गांधी जी ने बोला, प्राचीन काल में लोग सभी तीर्थों की पैदल यात्रा पर निकलते थे, मुझे भी पैदल यात्रा पर निकलना होगा, किंतु मैं तीर्थों की नहीं नोआखाली के गांव की यात्रा पर निकलूंगा। केवल श्री रामपुर में न बैठकर नोआखाली के एक एक गांव में घूमूंगा, हिंसा और नफरत की आग को बुझाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित है और यही मेरी महत्वाकांक्षा। क्योंकि यह प्रायश्चित की यात्रा है, इसमें मेरा सबसे बड़ा साथी ईश्वर होगा। मात्र 4 अनुयायियों को मैं अपने साथ रखूंगा, मेरे साथ ये चारों गांव गांव भटकेंगे। गांव वाले जो देंगे वो खाएंगे, जो मुझ पर गुजरेगी वही इन पर भी गुजरेगी। खून के प्यासे गांव में मुझे प्रेम के दीपक जलाने हैं। मैं एक एक हिंदू एक एक मुसलमान के बीच में घूमूंगा और रहूंगा। मुझे अपने सिद्धांतों की जांच करनी है। मेरी अहिंसा यदि नोआखाली में खरी उतरती है तो पूरा देश को एक दृष्टांत मिल जाएगा, न केवल देश के बल्कि पूरी दुनिया के सामने सिद्ध हो जाएगा कि मानवता की भलाई किस में है, हिंसा में या अहिंसा में। 4 अनुयायियों के साथ सूर्य निकलने से पहले गांधी जी चल पड़े। कागज, कलम, धागा, सुई, लकड़ी का चम्मच और मिट्टी का कुल्हड़, चरखा, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो का उपदेश देते बंदरों की नन्ही मूर्ति, गीता, कुरान, बाइबल, यहूदी विचारों की एक पुस्तक, संपत्ति के नाम पर, ये चीजें उनके बक्से में थी। गांधी जी आगे आगे, अनुयायी उनके पीछे पीछे। चावल के खेतों को पार करती यह टुकड़ी क्रमशः आंखों से ओझल होने लगी। श्री रामपुर के निवासियों ने सुना, गांधी जी गुनगुना रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीत जो उन्हें बेहद पसंद था। यह गुनगुनाहट क्रमशः तेज होती गई। चावल के खेतों की लंबाइयों पर दूर दूर तक वही गीत तैरने लगा। गांधी जी का शांत स्थिर आत्मविश्वासी स्वर। अगर मेरी पुकार उन्हें सुनाई दे
तो चल अकेला चल अकेला, महात्मा जी गा रहे थे। हिंदुओं मुसलमानों के बीच जो खून खराबा चल रहा था और जो भयानक नफरत उबाल पर थी, महात्मा गांधी जिसे समाप्त करने निकले थे, उसकी जड़ें तो सदियों सदियों से भारत भूमि में जम चुकी थी। धार्मिक और पौराणिक स्तर पर हिंदुओं ने सदैव से हिंसा की पूजा की थी। महाभारत और रामायण जैसी अमर हिंदू गाथाओं में हिंसा और प्रतिहिंसा के वर्णनों की भरमार है। इस्लाम ने अपने पैर भारत की धरा पर रखे इसके पहले ही खून खराबे की प्रतिष्ठा हिंदू समाज में अपने चरम पर हो चुकी थी। हिंसा हिंदुओं की जीवन शैली में शामिल थी। अपनी अहिंसा द्वारा गांधी जी ने इतनी प्राचीन और बलवती परंपरा को ललकारा कि यह बात ही अपने आप में कम विलक्षण नहीं। खैबर दर्रे को पार कर चंगेज खान और तैमूर लंग जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किए ताकि गंगा के महान मैदानों पर से हिंदुओं का एकाधिपत्य खत्म कर सकें। लगभग दो सदियों तक मुसलमान मुगल बादशाहों ने अधिकांश भारत भूमि पर राज्य किया। उस दौर में उन्होंने अल्लाह और इस्लाम का अपने अपने तरीकों से प्रचार किया। उनके तरीकों में हिंसा भी शामिल थी। हिंदुत्व और इस्लाम दोनों प्राचीन धर्मों की जड़ें एक ही धरती पर जम तो गईं, लेकिन शुरू से ही इनके बीच एक भयानक खाई बनी रही। वास्तव में इन दोनों धर्मों के बीच इतना अधिक मतभेद है कि इससे ज्यादा मतभेद किन्हीं भी दो धर्म शैलियों के बीच ढूंढना लगभग असंभव रहेगा। इस्लाम की धुरी है केवल एक व्यक्ति मोहम्मद और केवल एक धर्म ग्रंथ कुरान, पर हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं, कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं, कोई एक आराधना शैली नहीं और कोई एक सिद्धांत नहीं। इस्लाम में सृजनहार अपने सृजन से अलग थलग खड़ा है, मानव का अध्यक्ष सा बनकर उसे निर्देशित करता हुआ। वहीं हिंदुत्व में सृजनहार और सृजन एक दूसरे से ओतप्रोत है। आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा के माध्यम से परमात्मा नाना रूपों से प्रकट हुआ है। इसीलिए हिंदू अपने परमात्मा की कल्पना और पूजा चाहे जिस रूप में कर सका, पूर्वजों में, साधुओं में, पशु पक्षियों में, प्रेत शक्तियों और प्राकृतिक शक्तियों में, शून्य और अनंत में, सांप, लिंग, पानी, आग, तारे, ग्रह, हिंदू ने असंख्य रूपों में अपने परमात्मा को पाया और पूजा है। ठीक विपरीत मुसलमान का ईश्वर केवल एक है, खुदा। उसका कोई रूप कोई आकार नहीं। मुसलमान का एकमात्र धर्म ग्रंथ कुरान साफ साफ आदेश देता है कि किसी भी रूप या आकार में खुदा की कल्पना निषिद्ध है। मूर्तियां और मूर्ति पूजा मुसलमान की नजर में घृणास्पद है। धार्मिक चित्रकारी को मुसलमान ने हमेशा बेतुका समझा है। मस्जिदों में सजावट के नाम पर केवल इतनी छूट दी जाती है कि अमूर्त कलाकृतियों बनाई जाएं और खुदा के 99 नामों को ही दोहरा दोहरा कर लिखा जाए, जबकि मूर्ति और मूर्ति पूजा पर हिंदू हार्दिक श्रद्धा रखता है। मंदिर और मस्जिद एक दूसरे से नितांत भिन्न पाए जाते हैं। मंदिर में प्रवेश के साथ ऐसा लगेगा जैसे यहाँ आध्यात्मिक उच्च बाजार गठित किया है। गले में सांप लपेटे हुए ईश्वर, चार चार छह बाजुओं वाले ईश्वर, अनेक मुंह वाले ईश्वर और दैत्य, उड़ने वाला दैवी हाथी, दैवीय बंदर, नाचती अप्सराएं, रहस्यमय लिंग। मुसलमान समूह बनाकर सामूहिक स्वर में कुरान की आयतें पढ़ते हैं, स्वयं को मस्जिद के धरातल पर मक्का की दिशा में गिरा और झुकाकर, जबकि हिंदू एकांत में पूजा करता है। ईश्वर के लगभग 30 लाख रूपों में से वह अपनी इच्छा अनुसार एक या अधिक रूपों में चुनाव करके अपनी संपूर्ण मानसिकता को उसी पर न्यौछावर कर देता है। पूजा तो वह मूर्ति की करता है, लेकिन जाना जाता है अमूर्त की और अनंत ब्रह्म की ओर।
हर मौसम का देवता अलग, यहाँ तक कि हर बीमारी का देवता अलग, इस भूल भुलैया का पार पाना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन लेकिन हिंदू मुसलमान एकता के बीच सबसे बड़ी बाधा धार्मिक नहीं, सामाजिक थी। हिंदू समाज जातियों और उपजातियों के बीच बुरी तरह बटा हुआ था। इस बंटवारे को सामाजिक बुराई नहीं बल्कि धार्मिक परंपरा माना जाता था। जातियों और उपजातियों का आपसी वैमनस्य हिंदू समाज की रगों में विष की तरह बह रहा था। थे सब हिंदू लेकिन एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। हल्की जाति को छूते ही ऊंची जाति का व्यक्ति इतना गंदा हो जाता कि फौरन भागकर उसे स्नान करना पड़ता। ब्राह्मण सबसे ऊंचे, फिर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अशूद्र। ये पांच मुख्य जातियां 5,000 उपजातियों में बट गई थीं। अकेली ब्राह्मण जाति ही 1886 उपजातियों में बिखरी हुई थी। ऐसे जातिवाद के साथ हिंदुओं की इस परिकल्पना का गहरा संबंध रहा है कि आत्मा अमर है और बार बार जन्म लेती है। इस जन्म में जिसके जैसे कर्म, अगले जन्म में उसकी जाति भी उसी प्रकार ऊंची और नीची। अर्थात इस जन्म में नीचा या अछूत है वह पिछले जन्म के अपने कर्मों के अनुसार ही है। जो नीच या अछूत है उसके साथ सहानुभूति कैसी, वे तो अपने पिछले जन्म के कुकर्मों का फल भोग रहे हैं। कुकर्मी है इसीलिए नीच बने हैं। इस विचार ने हिंदुओं और हिंदुओं के प्रति असहिष्णु और क्रूर बना दिया था, जबकि इस्लाम में सब बराबर, सब भाई भाई। अनेक शूद्रों और अछूतों ने सिर्फ इसीलिए इस्लाम स्वीकार कर लिया कि मुसलमान बनते ही उन्हें सबकी बराबरी का सामाजिक स्तर मिल जाता था। ऐसी सामाजिक उन्नति का वचन देने को तो हिंदू धर्म भी देता था, लेकिन न जाने किस जन्म में। इस्लाम तो इसी जन्म में सामाजिक उन्नति का उपहार लिए खड़ा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब मुगल शासन समाप्त हुआ तो हिंदुओं की हिंसा प्रियता पूरे भारत में जाग उठी, जो हिंदू मुसलमान के खून खराबों में बदल गई। फिर इंग्लैंड की शक्ति ने भारत के आकाश पर जगमगाना शुरू किया, जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों को दबाकर रखा। फलस्वरूप कौमी दंगे भी एक हद तक काबू में आ गए, लेकिन दोनों जातियों के बीच दुर्व्यवहार और आशंका का जो वातावरण बन चुका था वह बन चुका था। हिंदू यह कभी नहीं भूल पाए कि मुसलमानों के बीच बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कभी हिंदू ही थे लेकिन अछूत थे। क्या सिर्फ धर्म बदल जाने से वे अछूत नहीं रहे? इस्लाम ने अछूतों को सामाजिक ऊंचाई तो दी, मगर हिंदुओं ने सभी मुसलमानों के साथ ही अछूतों जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। उच्च वर्ग का हिंदू मुसलमान की मौजूदगी में भोजन को स्पर्श तक नहीं कर सकता था। रसोई घर में यदि मुसलमान की परछाई भी आ गई तो सब कुछ अपवित्र। मुसलमान ने यदि किसी ब्राह्मण को छू भी लिया तो वह चीत्कार करता हुआ भागेगा और घंटों घंटों पूजा पाठ में बिताकर स्वयं को पवित्र करेगा। गांव और शहरों में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हुए भी अलग थे। आम तौर पर आबादी के बीच से गुजरने वाली सड़क एक तरफ हिंदू रहते थे और उसके दूसरी तरफ मुसलमान। किसी का भी अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में रहना खतरे से खाली नहीं था। वैसे ऊपरी तौर पे दोनों समाज आपस में मिलते जुलते अवश्य थे। वे एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते, नौकरियां साथ करते, रेलों में साथ बैठते इत्यादि। लेकिन भीतरी तौर पर दोनों के बीच कहीं कोई प्रेम नहीं था। हिंदू मुसलमान की शादी शायद ही कभी संभव होती। पानी भरने के लिए दोनों समाजों के कुएं अलग अलग,
उन कुओं के बीच भले ही मात्र बीते भर का फासला हो, भूगर्भ में भले ही कोई एक सोता दोनों के बीच बह रहा हो, लेकिन यदि किसी उच्च वर्ण हिंदू ने भूल से ही मुसलमान कुएं का घूंट भी पी लिया तो अगले ही क्षण उसकी सांस रुकती दिखाई देगी। हिंदुओं के बच्चे पंडितों से पढ़ते, मुसलमान बच्चों को शेख पढ़ाया करते थे। लिपियां अलग अलग, संस्कार अलग, पाठशाला के स्तर पर ही जाने या अनजाने में हिंदू और मुसलमान बच्चों को एक दूसरे से नफरत करना सिखाया जाता था। और इस आग में अंग्रेजों ने घी डाला, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर। बाद में यह नीति स्वयं अंग्रेजों को इतनी भारी पड़ गई कि जब भारत को आज़ाद करने का अवसर आया तो उन्हें सूझना मुश्किल हो गया कि आज़ादी उस उपाय से दें या उस उपाय से। हिंदू मुसलमानों की फूट इस सीमा तक बढ़ गई कि चाहे यह उपाय आजमाया जाता चाहे वह उपाय, कौमी दंगों का दवानल संपूर्ण देश को अपनी लपेट में लेकर एकदम भस्म कर देने के लिए तैयार खड़ा था। सामाजिक और धार्मिक मतभेदों के अलावा एक और भेद ऐसा था जिसकी उग्रता किसी रूप में कम नहीं आंकी जा सकती। यह भेद था आर्थिक। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी हवा ने भारत को एक नए आर्थिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अनेक नए आर्थिक अवसर जनता के सामने थे। मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं ने उन अवसरों का बहुत अधिक लाभ उठाया। 1857 के गदर में मुसलमानों ने ज्यादा महत्व के रोल अदा किए थे। कुछ इस कारण भी अंग्रेजों ने मुसलमान को आर्थिक अवसर कम दिए। अंग्रेजों ने सामाजिक मेलजोल तो मुसलमान को साथ ज्यादा रखा, किंतु आर्थिक अवसरों का लाभ अक्सर हिंदू को लेने दिया। भारत के बड़े से बड़े व्यापारी, दुकानदार, पूंजीपति, उद्योगपति, बीमा व्यवसायी हिंदू थे। पारसियों ने भी हिंदू के साथ अच्छी होड़ ली, मुसलमान पिछड़ गए। कुरान ने भी आदेश दे रखा है कि ऊंची ब्याज दरों पर धन का लेन देन करना इस्लाम के खिलाफ माना जाए। इस कारण भी धन हिंदुओं के पास केंद्रित होता गया, मुसलमान गरीबी के सिकंजे में आते गए। इस आर्थिक अंतर ने उनके सामाजिक और धार्मिक मतभेदों को भी और भी उग्र बना दिया। यह उग्रता कौमी दंगों और कत्ले आम के रूप में प्रकट होनी ही थी। कलकत्ता में मुसलमानों को हिंदुओं ने और नुआखाली में हिंदुओं को मुसलमानों ने अगर गाजर मूली की तरह काट डाला तो इसका कारण सदियों पुराने रीति रिवाजों के पीछे छुपा हुआ था। दोनों समाज के पास एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए कुछ एक लोकप्रिय तरीके थे। हिंदुओं ने संगीत का आसरा लिया। मस्जिद में नमाज पढ़ते समय मुसलमान पूर्ण शांति चाहता है। कुरान की आयतें पढ़ते समय अगर जरा सा भी शोर हो जाए तो कोई भी सच्चा मुसलमान एकदम बौखला जाएगा। मुसलमान को छेड़ना हिंदुओं के लिए बड़ा आसान था। शुक्रवार के दिन जब नमाज पढ़ी जा रही हो, मस्जिद के सामने डट जाना और खूब ढोल ढमक के पीटना। और मुसलमानों का प्रिय तरीका था एक ऐसे पशु का सहारा लेना जो सारे भारत में भुखमरी का शिकार है, जो शहरों गांव के रास्ते पर लवारिस घूमता है, वो जिस खेत में चाहे उसमें घुसकर मुंह मारता है, जो आदिकाल से हिंदुओं की भक्ति भावना का केंद्र रहा है, गौ माता। धार्मिक आदेशानुसार मुसलमानों के लिए जिस तरह पिग का मांस खाने की मनाही है, उसी तरह गाय का मांस खाने अथवा उसकी हत्या करने की मनाही हिंदुओं के लिए है। फलस्वरूप 1947 में गाय बैलों की जो संख्या भारत में थी उतनी विश्व के किसी देश में नहीं थी। लगभग 20 करोड़ गाय बैल भारत में भटक रहे थे, अर्थात प्रत्येक दो भारतीयों के बीच एक गाय या बैल। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की जितनी जनसंख्या नहीं थी जितने भारत में गाय बैल की संख्या थी। केवल 4 करोड़ भारतीय गाय ऐसी थी जो किसी तरह
मर खपकर दूध दिया करती, प्रतिदिन प्रति पशु केवल एक पिंट। 4 से 5 करोड़ बैल वजन खींचने के काम आते थे, बैलगाड़ी हल आदि के। शेष अर्थात 10 करोड़ से भी ज्यादा गाय बैल बिल्कुल किसी काम के नहीं थे। खेतों मैदानों शहरों गांव में ये पशु पूरी मौज में मटर गश्ती करते। रोज इतना अनाज इन फालतू पशुओं के पेट में समा जाता कि किसी प्रकार यदि उसे बचाया जा सकता तो उन लगभग 1 करोड़ भारतीयों की भूख शांत हो सकती, जो अपोषण या कुपोषण के मारे अधमरे हुए जा रहे थे। यदि धार्मिक आदेश को ताक पर रखकर सोचा जाए, यदि मानव मात्र को किसी प्रकार जीवित रखने का सवाल सामने रखा जाए, तो इन पालतू और फालतू पशुओं को अवश्य ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था, ऐसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन धर्मांधता की जड़ें इतनी गहरी थी कि वे हिंदू भी गोहत्या की कल्पना तक नहीं कर सकते थे जो स्वयं भूख से मर रहे थे, ताकि गाय बैल जहां चाहें वहां मुंह मारते और जबड़े चलाते रहें। यहां तक कि स्वयं गांधी जी ने हमेशा यही कहा कि गाय में ईश्वर का निवास है। गाय की रक्षा करना ईश्वर पूजा करना का ही दूसरा रूप है, जबकि मुसलमानों की नज़र में एक गूंगे पशु की एक ऐसी आराधना न केवल बेतुकी बल्कि फूहड़ भी थी, जो मनुष्य को मनुष्यता के स्तर से नीचे गिराती थी। मुसलमानों को उस वक्त विशेष आनंद मिलता रहा जब वे गाय बैलों को झुंड को मारते पीटते हुए किसी मंदिर के ऐन सामने से सीधे बूचड़ खाने की ओर ले जाते। हजारों मनुष्यों ने उन गाय बैलों के साथ स्वयं भी मौत का आलिंगन किया था। उन दंगे फसादों में जो ऐसी प्रत्येक घटना के बाद अवश्य फूट पड़ते। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में इन दोनों समाज के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा। हालांकि स्वयं अंग्रेजों ने दोनों की फूट का लाभ उठाने के कभी हिचक महसूस नहीं की। स्मरणीय है कि भारतीय आजादी के संघर्ष में हिंदू और मुसलमान बुद्धिजीवियों ने अपने कौमी विवादों को पूरी तरह भुलाकर कंधे से कंधा भिड़ाते हुए एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहा था जिसमें दोनों का समान हित था। और विडंबना यह है कि हिंदू मुसलमान के इस अद्भुत सहयोग के बीच दरार डालने का कार्य स्वयं महात्मा गांधी ने किया, भले ही अनजाने में किया। भारत में जिसे पृथ्वी का सर्वाधिक धार्मिक क्षेत्र कहा जाना चाहिए, यह असंभव ही था कि आज़ादी की लड़ाई को धार्मिकता का रंग पकड़ने से बचाया जा सकता। धर्म का रंग गांधी जी के माध्यम से आया। इससे इनकार नहीं कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक पूर्वाग्रहों से उतना मुक्त नहीं था, एक भी व्यक्ति उतना सहनशील और उदार नहीं था जितने गांधी जी थे। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष के प्रत्येक चरण में मुसलमानों का स्नेह सहयोग पाने का हर संभव प्रयास किया। इसके बावजूद गांधी जी हिंदू थे और हिंदू रहे। भगवान में गहनतम आस्था के बिना उनका अस्तित्व संभव नहीं था। फलस्वरूप उनकी कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को हिंदुओं का आंदोलन बन जाने से बचाना न तो संभव था और न संभव हो सका। धीरे धीरे कांग्रेस का स्वर हिंदुओं का स्तर होता गया, जिससे मुसलमानों के मन में आशंकाएं जगी। कांग्रेस के सभी नेता महात्मा गांधी के जितने उदार नहीं हो सकते थे, कोई ना कोई नेता अपने संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय देता ही रहता। फलस्वरूप मुसलमानों के मस्तिष्क में यह बात घर करती गई कि आज़ाद भारत में वे हिंदुओं की बहुसंख्या के बीच एकदम खो जाएंगे। एक ऐसी जमीन पर उनकी शक्तियां गुम हो जाएंगी जहां कभी स्वयं मुसलमानों का निरंकुश शासन था। केवल एक संभावना थी जो उन्हें इस खतरे से बचा सकती थी, भारतीय उपमहाद्वीप का कोई ऐसा हिस्सा मुसलमानों के लिए अलग कर दिया जाए। भारतीय मुसलमानों को अपना राज्य हिंदुओं से अलग कर लेना चाहिए, यह परिकल्पना पहली बार संक्षेप में लिखकर तैयार की गई
साढ़े चार पृष्ठों की इस परिकल्पना का टंकण कार्य कैम्ब्रिज की हम्बरस्टोन रोड के कॉटेज नंबर 3 में संपन्न हुआ। इसके लेखक रहमत अली थे, जो 40 वर्षीय स्नातक विद्यार्थी थे। रहमत अली के प्रस्ताव के शीर्ष पर 28 जनवरी 1933 की तारीख अंकित थी। अपने प्रस्ताव में अली ने साफ साफ लिखा कि भारत को अखंड रखने की बात अत्यंत हास्यास्पद और फूहड़ है। उसने सुझाव दिया कि भारत के जिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मुसलमानों की बहुसंख्या है, उन्हें अलग करके मिला दिया जाए। पंजाब, कश्मीर, सिंध, सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान, इस नए प्रदेश का नाम भी रहमत अली ने ही सुझाया, पाकिस्तान, मतलब पवित्र भूमि। प्रस्ताव के समापन में उसने पूरे जोश के साथ लिखा कि हिंदू राष्ट्रीयता की सलीब पर हम खुदकुशी नहीं करेंगे। मुसलमानों की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय भावना ने स्वयं को मुस्लिम लीग के रूप में प्रकट किया था। समय बीतने के साथ रहमत अली का प्रस्ताव भारतीय मुसलमानों के दिलो दिमाग पर बैठता रहा। कांग्रेस के जिद्दी हिंदू नेताओं ने भी क्रमशः ऐसा रुख अपनाया कि उनके मुसलमान साथियों का हिंदू के संग अपना भविष्य डावाडोल दिखने लगा। वह घटना जो हिंदू मुसलमान दंगों की आग बनकर पूरे देश में फैले जाने की धमकी दे रही थी, 16 अगस्त 1946 के दिन घटी थी। महात्मा गांधी अपनी प्रायश्चित यात्रा पर निकले उसके ठीक 5 महीने पहले। उसकी भूमि थी वह शहर जिसे अंग्रेज साम्राज्य का द्वितीय शहर कहा जाता था, और जो हिंसा या क्रूरता के क्षेत्र में अपना सानी नहीं रखता था, महानगर कलकत्ता। जैसा कि कलकत्ता के संभ्रांत निवासियों के बीच कहा जाता था, इस धरती पर नरक जैसा जीवन अगर किसी का था तो उस अछूत का, जो कलकत्ता की झोपड़ पट्टी में पैदा हुआ। वहां लोग जिस तरह ठूस ठूस कर रहते थे, उस तरह दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं। दुख, दर्द और गंदगी के जो परनाले वहां बहते थे, वैसे परनाले साक्षात नरक में भी ढूंढे ना मिलते। हिंदू और मुसलमान वहां एक दूसरे के साथ खूब गिचपिच होकर रहते थे। इसके बावजूद सामान्य विवेक और औपचारिक स्नेह का भी नाता उनके बीच नहीं था। 16 अगस्त की सुबह धार्मिक नारे लगाते मुस्लिम की टोलियां अचानक अपनी झोपड़ियों से निकली। छुरे, चाकू, तलवारें, लोहे की छड़ें, ऐसे कोई भी हथियार जो इंसान की खोपड़ी तोड़ सकते हो, उनके हाथों में चमक रहे थे। ये मुसलमान मुस्लिम लीग की ललकार के अनुसार बाहर निकलते थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन का डे मुकर्रर किया था, ताकि इंग्लैंड और कांग्रेस पार्टी के सामने साबित किया जा सके कि मुसलमान पाकिस्तान लेकर रहेंगे। जरूरी हुआ तो इसके लिए किसी भी सीमा तक डायरेक्ट एक्शन करने से भी नहीं चुकेंगे। उन मुसलमान टोलियों ने जो भी हिंदू दिखाई दिया उसे मार डाला और शव शहर के खुले गटरों में फेंक दिए। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जल्द ही शहर के दर्जनों स्थानों से काले धुएं के खंभे आकाश में उठ उठकर डोलने लगे। हिंदुओं की बस्तियां खाक हो रही थीं, बाजार धू धू कर जल रहे थे। हिंदू क्यों पीछे रहते? उनकी भी टोलियों ने अपने झोपड़ पट्टियों से निकलना और मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। कलकत्ता ने अपने अब तक के इतिहास में उतने बुरे 24 घंटे कभी नहीं देखे थे। जब मानवता को पूरी तरह भूलकर राक्षसों से भी बदतर हो गया। हुगली नदी कितनी लाशों को बहाकर समुद्र में ले गई, कोई हिसाब नहीं। शहर की सड़कें गलियां भी डरावनी विभत्स से लाशों से अटी पड़ी थी। सब जगह जो कमजोर और असहाय थे, उन्हीं पर अत्याचार हुए।
जब तक नरसंहार खत्म होता, शहर पर गिद्ध अपना अधिकार जमा चुके थे। गिद्धों की डरावनी टोलियां आकाश में मंडरा रही थीं। जहां भी लाशें दिखती, वे झपट्टे मारकर नीचे आती। उनके लिए वह पिकनिक का दिन था। शहर में उस 24 घंटे में 6,000 लोग मारे गए थे। इसकी प्रतिक्रिया में नुआखाली धू धू कर जल उठा, जहां गांधी जी भी अपनी प्रायश्चित यात्रा पर निकले थे। बिहार के कौमी दंगों का नंगा नाच हुआ। पश्चिमी तट पर बम्बई भी आग के शहर में तब्दील हो गया। इन घटनाओं ने देश के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। मुसलमानों ने वास्तव साबित कर दिया कि यदि उन्हें उनका पाकिस्तान न मिला, तो सारे देश को खून से सान देने की जो धमकी वे बरसों से देते आ रहे थे, उसे एक डरावनी सच्चाई में बदल देने का दमखम उनमें पूरी तरह था। जिस विभत्स से दृश्य की कल्पना से ही गांधी जी के रोम सिहरते रहे, वह दृश्य अचानक मात्र गीदड़ भभकी ना रहकर एक नंगी सच्चाई बन गया। गृह युद्ध, और वह महात्मा नुआखाली में अपनी प्रायश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। नुआखाली जहां उन दिनों केवल जंगल का कानून चल रहा था। ठंडे और तेज दिमाग का एक और व्यक्ति था, एक जिद्दी वकील, जो पिछली चौथाई शताब्दी से गांधी जी का प्रमुख मुसलमान दुश्मन बना हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना। उसने तुरंत भांप लिया कि उस विभत्स दृश्य का अब वह एक औजार के रूप में उपयोग कर सकता है, भारत के टुकड़े करने का औजार। जिन्ना ने अपने लोगों द्वारा लिखे गए इतिहास को यदि छोड़ दें, तो अन्य कोई इतिहासकार उस व्यक्ति को वह जगह देने के लिए सहसा प्रस्तुत ना होगा जो कि उसका अधिकार होना चाहिए। उसकी शानदार उपलब्धियों को भी देखते हुए, इतिहासकारों के ऐसे पक्षपात के बावजूद, कोई माइका लाल इससे इनकार नहीं कर सकता था कि उन दिनों भारत के इतिहास की चाबी न गांधी के हाथ में थी, न किसी और के हाथ में, बल्कि वह जिन्ना के हाथ में थी। जिन्ना मुसलमानों का मसीहा था, जिद्दी और कठोर। अपने लोगों को आखिर वह एक ऐसी धरती पर ले गया जिसे वह खुद की धरती कहकर खुश हो सकते थे। वह जिन्ना ही था जिसने वह समस्या खड़ी की जो रानी विक्टोरिया के प्रपोत्र को वायसराय के रूप में भारत पहुंचने पर भारी परेशानी में डालने वाली थी। अगस्त 1946 में बंबई से बाहर लगे एक तंबू में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के समर्थकों के सामने स्पष्ट किया था कि डायरेक्ट एक्शन मतलब सीधी कार्रवाई का अर्थ क्या है। उसने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस भारत के मुसलमानों को युद्ध के लिए ललकार रही है, तो इसका जवाब देने के लिए हम सहर्ष सामने जाएंगे, हम भारत को बांट कर रहेंगे, जिन्ना ने कसम खाई थी, या फिर हम इसे नष्ट कर देंगे। तो ये थी आज की कहानी। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है। कल सुनेंगे हम चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है भारत को भगवान भरोसे छोड़ दो। और अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। मैंने जो भी सुनाया है वो फ्रीडम एट मिडनाइट की बुक से ट्रांसलेट करके सुनाया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ मनगढ़ंत नहीं है, कोई नफरत फैलाने की भावना नहीं है। फॉर मी एवरी रिलीजन इज इक्वल। और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा, हर धर्म की रक्षा करें, हर धर्म का इज्जत करें। ऑन दैट नोट, दिस इज प्रभव साइनिंग ऑफ।